रश देख रहे हो, कितना रश हो रहा मार्केट में। नींबू पानी पियो इतनी गर्मी में। बाकी जी देखो जी पेड़ बड़ा अच्छा है, छाया दे रहा पूरे चारों तरफ मंदिर में। यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आ चुके एक और नए ब्लॉग के साथ वापस, और ब्लॉग की शुरुआत हुई है कहाँ से, जहाँ पे हम इंतजार करते हैं। एजिटेस हम पहले पहुँच चुके हैं और जे हर बार की तरह लेट आ रहा है। और लास्ट का ब्लॉग तुमने देखा होगा, लास्ट का ब्लॉग तो वैसे वहाँ का था, कहाँ का था मुझे भी नहीं पता, कौन सा डाल दिया लास्ट ब्लॉग। बाकी चलो चलें कोचिंग और मिलते, और एजिटेस जो हमेशा मोबाइल में लगते हुए आया। और जे एज इट इज नहा के आया और मैं ऐसे सो के उठ के जा रहा हूँ। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो जी कोचिंग से घर, और अब जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, गांव साइड, कोई से गांव साइड। तो चलो जी खड़ी गाड़ी चलें अपन गांव। जी जी रखी दो रोड ऊपर से जाएंगे, हमें गाड़ी भी इसी के ऊपर चलेगी, गाड़ी भी इसी के ऊपर चलेगी, इसको सब पता है। आगे जाना है, आगे एक मंदिर है, बहुत दिखाना है तुमको। तो चलो वो मंदिर पे चलते हैं, वो मंदिर दिखाते हैं। फाइनली पहुंच गए मंदिर और गांव भी, गांव में तो तुमको दिखा दी मैंने, और मैं आ गया हूँ यहाँ पे एक मंदिर है, तो उस मंदिर पे दिखाता हूँ, रुक जाओ। उधर से आ रहा है, उसको उधर टिफिन जाने के लिए पहुँचाना था, इसलिए वो वहाँ से आया। हाथ पेट धो लिया जाए सबसे पहले तो। चलो जी जी रहा कुछ मंदिर, अब मैं तुमको दिखाऊंगा सामने से और दूर से। जी लो जी मंदिर, काफ़ी अच्छा पेड़ है, और मैं जो बोल रहा था शांति की, बेसिकली हमको आना नहीं था, हम सोचा इतनी दूर आए हैं तो कम से कम दूर से तो दर्शन करके जाएं, इसलिए हम वापस आ गए। पर मैं इतने जा रहा हूँ, वो जा रहा है लो जी प्रसाद लिया, क्योंकि जी नहा के आया था। बाकी जी देखो जी पेड़ बड़ा अच्छा है, छाया दे रहा पूरे चारों तरफ मंदिर में, और मंदिर के चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया शानदार। हम चले मंदिर से दर्शन करके दूर से, और कभी मैं तुमको दिखाऊंगा, हालांकि दोस्त तो गया था अंदर, वो वीडियो बना सकता था पर भूल गए हम, तो अब मैं कभी किसी दिन आऊँगा तो ज़रूर दिखाऊंगा तुमको पूरा, नहा के आऊँगा जिस दिन। आज मैं नहा के नहीं आया था, इसलिए मैं बाहर खड़े होकर मैंने दर्शन किए, और वैसे मैं मतलब मंदिर नहीं आया था, हमको कुछ काम था यहाँ पर, इसीलिए आए थे हम यहाँ पर, किसी को खाना देने के लिए आए थे, और अब जो खेत में काम हो रहा है। बाकी चलो घर चलें, चल के मिलते हैं। हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन वापस से टिकट बनाने के लिए, और जो सस्ता चश्मा मैंने पता नहीं क्यों लगा के घूम रहा हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, उसमें हल्का सा येलो दिखता है, इसलिए कोई चश्मा था नहीं तो मैंने यही लगा लेते हैं। बाकी चलो टिकट बनाएँ, और टिकट बना के दिखाते थे, और इस बार तो बननी चाहिए, लास्ट टाइम बना नहीं था, लास्ट टाइम मैं नीचे से बनवा रहा था, इस बार ऊपर से बनवा रहा हूँ। चलो चलें, बन गई टिकट अपनी, और आज बन गई। मैं बोल रहा ना उस दिन उनका मन नहीं था बनाने का, आज एक भैया बैठे थे बहुत अच्छे, उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट लिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला लाओ तो ओरिजिनल दिखाओ, ओरिजिनल दिखाया, उन्होंने तुरंत बना दी मेरी टिकट। उस दिन उनका मन नहीं था मनाने का, मैंने तीनों फोटो कापी करके लाई, तो भी इस बार एक बार में काम हो गया, और वही फोटो कापी तो लास्ट टाइम में लेके गया था। तो चलो चले घर, मिलते हैं मार्केट में, और मैं इतना परेशान हूँ ना उससे, और देख रहे हो दो दो बैग मेरे पास। हम आए थे टिकट बनाने, बट अभी रामनवमी की थोड़ी तैयारी कर ले, झंडा अंडा ले ले नारियल,
पर चलो चलते हो, गर्मी यार आज है। और मैंने चश्मा ये सोप के लिए लगाया, ब्लू कट चश्मा है तो मैंने लगा लिया। अब चलो मिलते हैं मार्केट में। रस देख रहा हूँ कितना रस हो रहा मार्केट में। राम नवमी की तैयारी, चलो भाई झंडे लेने आया हूँ। अच्छा बड़ा सा झंडा लेके जाएंगे यहाँ से। हाय 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 गर्मी। मोमोज खाने के बाद हम सेक भी पीना था, बट हम घर आ गए, उसके बाद हमने पावाजी खा ली, तो अब दूसरे दिन सेक पी रहे हैं, फ्रिज में रखा था। चलो इसको पीते ख़त्म करते हैं। बादाम सेक में तो पता नहीं भूल गया तुमको, और भजन चल रहा है, तुमको आवाज़ भी आ रही होगी घर में। बाकी मैंने पंखा बंद करा दिया, अब गर्मी बहुत लग रही। अब उसको खाते हैं और निकलते हैं घूमने के लिए, और टकलू भी आ रहा है तो उसको भी ले आएंगे वैसे। चलो अब चलते हैं, इसको ख़त्म करते हैं सेक को, और चलते हैं घूमने के लिए। लुकी जाओ आ चुके हैं घूमने, और आए भी हैं गाड़ी से। मैं कैमरा साफ करने वाला था चलती वीडियो में, इसलिए वो रेड दिखा। बाकी दोस्त आ गया है, तो चलो चलें और बताते हैं। जी हम चले पैदल घूमने, बस चले पैदल घूमने। बाकी इंजोला आन दो, लाइट वाइट आन दो, उसके बाद वीडियो आगे बताऊंगा, कुछ बात करनी थी। तो जी कहना ये था हमको, लाइटिंग थोड़ी देर हो जाओ, कि हम शाम को क्यों घूमते हैं। किसी ने पूछा था मुझसे, डीएम करके ही पूछा था इंस्टा पे, क्योंकि यार देखो दिन भर हम गाड़ी से घूमते रहते हैं, इधर से उधर डोलते रहते हैं, तो भाई कभी कभी पैदल ही घूमना चाहिए, इसलिए हम शाम को पैदल घूमते हैं बिना गाड़ी, और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तुम भी घूमा करो शाम को, और किसी भी दोस्त को ऐसे समझ रहे हो, दोस्त के लिए घुमा करो। नहीं, दोस्त के अलावा यदि और कोई होगी भी ना तो भी चलेगा। हाँ तो होगी भी तो भी चलेगा, होगा जरूरी नहीं, होगी भी तो भी चलेगा। लेकिन ऐसे आड़े तिरछे मत घूमना, नहीं तो क्या लोगों को गलत समझेंगे। सही बात है, तो सीधा सीधा घूमना, आड़े तिरछे मत घूमना। बाकी देखो एक दोस्त और आ रहा है जिसके साथ भोपाल वाला ब्लॉग देखा हो तुमने, तो बस वो आ रहा है तो उसको लेने जा रहे हैं। अब गाड़ी हमारी यहीं खड़ी, पर हम पैदल घूम रहे हैं। ठीक है मिलते हैं उसको उठा के। मिश्रा दौड़ा ना, मैं एक अजनबी के लिए जितने कभी नहीं दौड़ा, दोस्त को लेने आया था, साले ने मेहनत करा दी मेरे से। चलो चलो मैं जबरन दौड़ा, ये जबरन की दौड़ा टिकट लेने के लिए अननोन पर्सन की। देख रहे हो मदद कर रहे हैं, लाइक कर दो। अरे भगवान क्या दौड़े रे, बहुत मेहनत कराया रे के चक्कर में, इतना दौड़े रे भगवान, हे भगवान जी अलग दौड़ा मेरे पीछे, देख रहा हूँ मैं जिंदगी में इतना कमी नहीं दौड़ा। रेलवे स्टेशन वो फाटक से लेके जो फाटक, और कौन था वो, मिला था ट्रेन, और ट्रेन में मिला था भाई अजनबी। लाइक करो वीडियो भाई, अजनबी के लिए दौड़े हम इतना, हे भगवान। वो इटार से छिंदवाड़ा जा रहा है तो भाई कोई कमेंट में ये मत कहना कि तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की, क्योंकि भाई वो एरिया थोड़ा सुनसान था, इसलिए हमने सोचा कि छोड़ो रहने ही दो,